नमस्कार सभी को। अब जो है हमारा ये टॉपिक है एडिटिंग प्रेजेंटेशन। एडिटिंग प्रेजेंटेशन मीन्स कि जो आपने कुछ स्लाइड्स अगर बनाई है और स्लाइड में जो अगर आपको एडिट करना, कुछ टेक्स्ट आपने लिखा और उस टेक्स्ट को अगर आपको एडिट करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं वो अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं हम ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर। अब इस टेक्स्ट को मुझे एडिटिंग करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले हम देखते हैं ये जो होम की कई सारे जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये एडिटिंग से रिलेटेड है तो जो टेक्स्ट में हमें करना है। तो देखेंगे अब हम यहाँ न्यू स्लाइड में ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम लेआउट देखेंगे। तो अगर आपको ब्लैंक लेआउट चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं, और साथ ही आपको कंपेरिजन वाला लेआउट चाहिए वो ले सकते हैं। टाइटल अगर आपको केवल चाहिए तो ये ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लेआउट जो है वो अपना चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो लेआउट कैसे चेंज करेंगे, अभी आप देख रहे हो यहाँ केवल टाइटल वाला लेआउट है। इसी स्लाइड में मैं जो है ब्लैंक लेआउट लेना चाहता हूँ। तो ये ब्लैंक लेआउट आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं चूज कर सकता हूँ। और आप चाहते हैं कंपेरिजन वाला लेआउट तो ये कंपेरिजन वाला लेआउट हो चुका है, देख सकते हैं आप। टू कंटेंट का, ये टू कंटेंट का हो चुका। तो इस तरह से आप जो है वो लेआउट जो है उसका सेट कर सकते हैं। ये लेआउट सेट करने के बाद में सेक्शन बटन को हम देखते हैं कि ये सेक्शन बटन क्यों यूज होता है, किसे यूज होता है। अब यहाँ आप देख रहे हो जैसे इंट्रोडक्शन, ये मैंने सेक्शन बनाया है। फिर एक टेबल ऑफ कंटेंट, ये सेक्शन बनाया है। मेन बॉडी ये आप देख पा रहे हैं। फिर कंक्लूजन, तो ये एक सेक्शन बने हुए हैं। मतलब आपके, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 50 स्लाइड्स है तो 50 स्लाइड्स में आप जो है सेक्शन बनाकर अगर इस तरह से आप बनाएंगे उसे तो काफी आपको समझने में इजी होगा। जैसे अभी हम इसको बना के बताते हैं कि किस तरह से हम इसका जो सेक्शन है वो बनाएंगे। अब जैसे ये, या तो आप ऑलरेडी रिमूव, मैं सभी सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ पहले। अब यहाँ से सेक्शन हम बनाना है तो एड सेक्शन पर जाएंगे। एड सेक्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप फर्स्ट जो स्लाइड है उसको आप इंट्रोडक्शन के रूप में देना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट आप देना चाहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने इसे रिनेम कर दिया और ये इंट्रोडक्शन सेक्शन आ गया। इसे भी इंट्रोडक्शन में ही रहने देता हूँ। अब यहाँ ये जो है, इसे मैं टेबल ऑफ कंटेंट जो है इस सेक्शन को, ये जो थर्ड साइज है, यहाँ से मैं टेबल ऑफ कंटेंट को सेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एड सेक्शन पे जाऊंगा। यहाँ आप देखें अनटाइटल सेक्शन लिखा हुआ है। अब इसको मैं टेबल ऑफ कंटेंट लिख देता हूँ। तो ये एक और सेक्शन आपका तैयार हो चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक सेक्शन हो गया। आप यहाँ से इंसर्ट टैब, जैसे यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है तो मैं इसे भी सेक्शन दे सकता हूँ, जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ मेन बॉडी। एक केवल रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे समझने के लिए। और फाइनली यहाँ पर मैं इसे कंक्लूजन देना चाहता हूँ, तो ये एड सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ कंक्लूजन दे देता हूँ। तो इस तरह से आप जो है ये कंक्लूजन, तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से सेक्शन बना दिए। अब ये सेक्शन हमने यहाँ बनाया। अब इसके बाद में ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, इस टेक्स्ट को मुझे एडिट करना है तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ देखेंगे। जैसे ये कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पर मुझे अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो ये यहाँ पर आप जाएंगे ऊपर, यहाँ आप जो फॉन्ट आपको यूज करना चाहते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे एजेंसी एफ बी, ये जैसे आप देखते हैं ये है। तो ये मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया है। फॉन्ट चेंज करने के बाद आप इसका साइज जो है यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि जिस तरह से भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं इसका साइज। ये मैंने रखा। फिर इसके बाद मैं चाहता हूँ इसे बोल्ड करना, तो ये बोल्ड किया मैंने। यहाँ से कंट्रोल बी से भी आप यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो इसे क्लिक करके। फिर आप यहाँ पर इटैलिक जो ऐसे कर सकते हैं इस बटन से। अंडरलाइन आपको करना है तो ये अंडरलाइन हम कर लेते हैं। फिर हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसको एक शेडो इफेक्ट देना है, तो ये शेडो इफेक्ट का ये ऑप्शन है, शेडो इफेक्ट। अब आप देखेंगे ये शेडो टाइप आपको दिखेगा ये टेक्स्ट, तो ये शेडो इफेक्ट भी हमने यहाँ से दिया। अब यहाँ से आप शेडो, यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो ऑप्शन है वो शेडो हमने दे दिया। अब इसके बाद में मैं चाहता हूँ, पहले मैं इसमें अंडरलाइन हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप जैसे कई बार हम कुछ एडिट करते हैं या कमेंट करते हैं, तो कमेंट में हमें, हम चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये गलत है। अगर हमें लगता है कि ये टेक्स्ट जो गलत है इसको मुझे कट करना है, तो वो किस तरह से आता है वो आप देखेंगे। जैसे ये वाला पार्ट, इस पूरे जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये सेंटेंस, इसमें ये पार्ट गलत लग रहा है आपको,
ठीक है, आप उसे रिव्यू कर रहे हो, रिव्यू करने के बाद में आपको लगता है कि गलत है, तो वो कैसे आएगा? ना आप जो एबीसी देख रहे हैं, ठीक है, जिसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, इसके सेंटर में क्रॉस हो जाएगा, मतलब आप इसे क्रॉस, तो अब आपको यहाँ दिख जाएगा कि ये वाला पार्ट जो है वो गलत है, या आप अंडरस्टैंडिंग आपकी आपकी है, तो ये क्रॉस अगर आपको करना है इस पूरे सेंटेंस के बीच में, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शंस, आपको ये जो एबीसी लिखा है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं ये जो एबीसी है, इससे ये आता है। अब अगला ऑप्शंस हम देखेंगे, अभी मैं वापसी से जो है नॉर्मल पे ही लेके आ जाता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ क्रॉस। अब आप ये देख रहे हैं नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब इसका मैं फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो ये फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया। अब आपको आप चाहते हैं कि जो ये टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, इसके बीच का जो गैप है, मतलब मान लीजिए कि ये एक से पूरा है, उसके बाद में ये दूसरा है, तो इनके बीच का गैप बढ़ाना है या घटाना है, ये दोनों के बीच का गैप, ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये यहाँ से आप जाएंगे, अगर टाइट करना है तो देखिए आप बिल्कुल पास पास में आ गए हैं सभी टेक्स्ट, और फिर लेटर आप देख सकते हैं ये इस तरह से काफी पास पास में आ चुके हैं। वेरी टाइट करेंगे तो ये, आप लूज करेंगे तो आप देख सकते हो दूर दूर हो चुके हैं, एक लेटर ये है, उसके बाद में दूसरा लेटर है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है, वहीं वेरी लूज करेंगे तो ये यहाँ पर आप इसको तो वेरी लूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दो लेटर है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सिमिलरली और भी अगर मुझे करना है तो आप यहाँ पे स्पेसिंग दे सकते हैं यहाँ से, तो ये जो है इस तरह से आप जो है दो लेटर है उनके बीच का स्पेस अगर आपको बढ़ाना है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल अभी हम रखते हैं इसको। फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, अगर आपके पास इसको मैं पूरे लोअर केस में रखना चाहता हूँ, तो ये लोअर केस में आप रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बाई डिफॉल्ट कोई भी टेक्स्ट आपको यहाँ पे रखा है, और उसको मुझे जो है या तो फर्स्ट लेटर कैपिटल मुझे रखना है, या फिर सभी लेटर जो है वो कैपिटल रखना है, तो वो मैं सब यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट लोअर केस, लोअर केस मतलब जो भी लेटर होंगे वो सभी लोअर केस में रहेंगे। फिर दूसरा जो है वो अपर केस, तो आप देख सकते हैं यहाँ सभी लेटर जो है अपर केस में है। फिर सिमिलरली जो है वो कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका क्या होगा, जो लेटर है वो आपका कैपिटल होगा। फिर उसके बाद सिमिलरली हम हर वर्ड को जो है वो कर सकते हैं। फिर टॉगल, टॉगल में क्या होगा, जो फर्स्ट आप लेटर जो देख रहे हैं ये वाला, ये स्मॉल लेटर में, बाकी जितने भी है वो आपके कैपिटल में, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉगल जो है इस तरह से होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये वाला हम रख देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वहीं ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, इससे आप जो ए आपको दिखाई दे रहा है और इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो इंक्रीज यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, साथ में इसे भी क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा, सिमिलरली यहाँ पर डिक्रीज होता है इससे। फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है इसका जो एक तरह से इनका जो बैकग्राउंड है उसको मुझे अगर कलर करना हो तो ये मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, एक तरह से मुझे इसे हाईलाइट करना है तो वो इस तरह से मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। तो ये आप देखेंगे टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो यहाँ आप जो भी है इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं इस तरह से, तो ये एक तरीका हुआ है इसे हाईलाइट करने का, इस तरह से हाईलाइट कर लिया हमने। अब जो टेक्स्ट आपने लिखा है, जो ये लेटर है, ठीक है, इनका कलर मुझे चेंज करना है, तो वो कैसे करूंगा मैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे इसका लेटर, वो अभी हमने आप पूरा सिलेक्ट कर लेंगे इसे, अब मैं इसके जो लेटर है इनका, इनको कलर देना चाहता हूँ तो यहाँ से दे सकता हूँ, जो भी कलर आप देना चाहते हैं यहाँ से कलर हम दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल सेटिंग हुई है। फिर जितनी फॉर्मेटिंग है उसे क्लियर करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये हमने फॉर्मेटिंग यूज की थी, उनको हटाना है तो ये हम इस तरह से हटा सकते हैं। तो ये आपने यह देखा इसको। अब इसके बाद में मैं यहाँ बुलेट पॉइंट इसे देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये बुलेट पॉइंट है, यहाँ आप अलग अलग तरह की बुलेट पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप कई सारे बुलेट पॉइंट है, इनको आप दे सकते हैं फर्स्ट सेकेंड, ये बुलेट पॉइंट है, और अलाइनमेंट आप
टेक्स्ट का करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट आप देख सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, ये राइट अलाइनमेंट, ये जो है वो जो है बिल्कुल सेंटर बिल्कुल अलाइनमेंट हो रहा है, आपको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट भी जो है इसका कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक सेटिंग्स है, लेकिन कई बार हम मिस कर जाते हैं कुछ पॉइंट्स, तो उसे हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जैसे दो आपका फर्स्ट वाला ये पूरा सेंटेंस है, वो दूसरा वाला सेंटेंस है, इसको दो सेक्शन में मुझे बताना है, तो कैसे होगा उसको दो सेक्शन में अगर आपको बताना है, तो ये आप देखो दो कॉलम लिए, ये आपको दो सेक्शन में चेंज हुए। तो इस तरह से आप सेक्शन जो है वो बढ़ा सकते हो, या आप देखो तीन सेक्शन में हो चुके हैं, तो अगर आपको सेक्शन बढ़ाना तो यहाँ से सेक्शन में इसे यूज कर सकते हैं। अब वन कॉलम में रखना तो ये इस तरह से हो, और अगर सेक्शन आप बढ़ाना चाहते हो तो ये होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एक लाइन हुई, दूसरी लाइन है, लाइनों के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे बढ़ाना है, तो वो क्या करूंगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन स्पेसिंग, इसमें आप जैसे दो मैंने बढ़ा तो लाइन की स्पेसिंग बढ़ गई है, इसको छोटा करता हूँ तो कम हो जाती है। तो ये लाइन की स्पेसिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो ये लाइन की स्पेसिंग इस तरह से घटाई जा सकती है। फिर अब अगला ऑप्शन जो है टेक्स्ट डायरेक्शन। देखिए, टेक्स्ट अगर मैं ऐसे 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहता हूँ, 270 पर, जो भी रोटेशन अगर आप करना चाहते हैं टेक्स्ट का, तो वो कर सकते हैं। अलाइनमेंट देख सकते हैं आप, ये जो पूरा टेक्स्ट है इसको मिडिल में रखना चाहते हैं या फिर आप बॉटम में रखना चाहते हैं, तो ये भी हम अलाइनमेंट इसका इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे जब टेक्स्ट को अलाइन भी मिडिल या फिर नीचे रखना चाहते हैं तो बॉटम में, ये सब हम कर सकते हैं। तो यहाँ अलाइनमेंट हो गया। फिर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ आप क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरे जो टेक्स्ट है इनको स्मार्ट आर्ट में यहीं से कन्वर्ट कर सकते हो। तो विदाउट गोइंग टू दी अलग से स्मार्ट आर्ट में जाने की बजाय, हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे वर्टिकल बुलेट लिस्ट, तो ये स्मार्ट आर्ट हमने यूज कर लिया है। फिर आप इसको अलग अलग तरह से देना चाहते हैं, तो ये स्मार्ट आर्ट में सेटिंग होती है, डिजाइन होती है, इन डिजाइन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये स्मार्ट आर्ट की सेटिंग है, इससे इससे आप स्मार्ट आर्ट जो है वो बना सकते हैं। सिमिलरली आप चाहते हो इस तरह से, यहाँ आप इमेज देना चाहते हो, उसी के नीचे टेक्स्ट देना चाहते हो, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन पिक्चर लेनी है आपको या फिर किस तरह से। तो ये स्मार्ट आर्ट के तरीके हैं, अलग अलग तरह से स्मार्ट आर्ट आप यूज कर सकते हो। देखिए आप ये, और हम इस पे स्मार्ट आर्ट में और अच्छे से इसको समझेंगे। तो अभी ये आप देख सकते हैं, ये स्मार्ट आर्ट जो है उसको भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्मार्ट आर्ट भी डायरेक्ट जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको वहीं से ही कन्वर्ट कर दे सकते हैं। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप अगर कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ देना चाहते हैं, जिसे टेक्स्ट बॉक्स में देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ से इसे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस पर आप लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से अगर आपको ओपन करना है, तो ये हम यहाँ जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। तो ये यहाँ होम पर भी ये टेक्स्ट बॉक्स आपको ओपन मिल जाएगा, जो कि अलग से इंसर्ट में भी मिलता है, वो यहाँ पे भी दिखाई देगा। साथ ही अलग अलग शेप है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है अरेंज। देखिए, अरेंज का यूज कैसे करेंगे मैं ये बताता हूँ। अरेंज का यूज कैसे होता है, जैसे मैं एक कोई एक शेप ले लेता हूँ, ये एक शेप लिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये आप देखेंगे, जैसे ही मैं शेप को शेप के पास टेक्स्ट ले जा रहा हूँ, तो ये जो टेक्स्ट में ये जो भी सॉरी शेप में ये जो टेक्स्ट है वो छुप चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है वो ये जो शेप है इसके ऊपर आए। तो कैसे करेंगे उसके हम उसे हम तो आप देखिए, यहाँ से ये जो आप देख रहे हो, यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड है ना, ये आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, ब्रिंग ब्रिंग टू फ्रंट, तो आप देखेंगे ब्रिंग टू फ्रंट जैसे ही मैंने किया, ये टेक्स्ट बॉक्स के जो आप बॉक्स हमने देखा उसके ऊपर सामने आ जाता है टेक्स्ट। सिमिलरली अगर मैं इसे बैकग्राउंड में लेके आना चाहता हूँ, तो सेंड बैकवर्ड करूंगा, सेंड टू बैक, तो ये इस तरह से। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम टेक्स्ट को ऊपर ला सकते हैं, या फिर शेप के ऊपर ला सकते हैं, या शेप के नीचे ला सकते हैं। तो ये हुआ, इस तरह से हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट में किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं उस टेक्स्ट।
ये अरेंजमेंट हुआ, यहाँ इस ऑप्शन को ओपन करेंगे तो ये आपको ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग टू फॉरवर्ड,